सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज की वीडियो में बात करूंगा वेरिकोसिल के बारे में। तो मैं बाहर था और मैं वॉक ही कर रहा था, कहीं मैं जा रहा था, तो मुझे लगा वीडियो बनानी चाहिए। आज मैंने बोला था ग्रुप में तो मैं डालूंगा, तो थोड़ा ये नॉइज़ बाहर का आएगा उसके लिए सॉरी आप सबसे, पर इसमें बात करूँगा वॉक से ना, मतलब इस वीडियो में बात करूँगा स्वेलिंग से, कि स्वेलिंग से रिलेटेड कि कैसे स्वेलिंग जाएगी। ठीक है, मैंने वैसे आपको बता ही रखा है कि स्वेलिंग जाती है सिर्फ वॉक से और रेस्ट से। ठीक है, जितना आप रेस्ट करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, और जितना आप वॉक करोगे उतना बेस्ट है। अब जितना वॉक करोगे का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे वॉक पे ही कंसंट्रेट करो, ठीक है, जब आपकी बॉडी मानती है तब आपको वॉक करनी है। जब भी आपकी बॉडी मानती है तब आपको वॉक करनी है, ऐसा नहीं है कि बॉडी थक गई है। हाँ मैं जानता हूँ ये सब आपको पता है पहले से, ठीक है, मैं बोर कर रहा हूँ सिंपल लफ्ज़ों में तो यही कह सकता हूँ। ठीक है, पर देखो इतने टाइम से हमारी वेंस होती है ना जो उसी कंडीशन में रहती है। मेरे क्या सीन था कि मैंने बीच में मतलब 5-6 महीने कम से कम मैंने डाइट छोड़ी, ठीक है, और सारी गलत एक्टिविटी हुई सारी। तो इसके अंदर क्या हुआ कि मैं शादी में गया, ठीक है, वेट लिफ्टिंग हुई, ठीक है, डांस होता है आपको बताइए, ठीक है, और डांस ऐसा तो यानी कि दोनों पैर जोड़ के और बस खड़े होकर ही करना है, खड़ा होना तो नुकसान है उस पर, मतलब डांस करना भंगड़ा टाइप होता है जो, वैसे डांस करना नाचना तो वो एक ज़्यादा बड़ा नुकसान था। तो एक वो चीज़ हुई और आपको पता ही है यार शादी में क्या होता है, तो उससे क्या हुआ हैवीनेस और हैंगिंग और मतलब जो गुच्छा टाइप था ना अल्फ़ाबेट जैसे एस होता है ना उसी के शेप में, मतलब दो वेंस दो तीन वेंस ना यूँ मतलब आगे को आ रखी थी, तो वो चीज़ एक ज़्यादा नुकसान देती थी क्योंकि वो वेंस का दिन प्रतिदिन मतलब बिगड़ रही थी वो ना। तो अब डांस मैंने करा और वेट लिफ्टिंग जितना भी था सब कुछ, तो उससे और मामला बिगड़ गया था। तो उसके बाद मैंने फॉलो करा, अब कॉमन सेंस की बात ये है इसमें कि काफ़ी टाइम ज़्यादा हमारा ना मतलब 6 मंथ से मतलब सारी रॉन्ग एक्टिविटी, ऊपर से मतलब हर चीज़ रॉन्ग हो रही है, ठीक है, तो उसमें अब वेंस जो होता है जैसे फौजियों की रस्सी होती है, जैसे एग्जांपल दिया है आपको, तो उसी पोजीशन में वो थी, मतलब ठीक है आगे बढ़ती थी पर ये कि मोस्टली मतलब ना 80% वो उसी पोजीशन में रहती थी, ना आगे बढ़ती थी ना पीछे जाती थी, पीछे तो सवाल ही नहीं है जाने का, आगे नहीं बढ़ती थी, तो वो चीज़ उसी पोजिशन में इतने टाइम से रह रही है। ठीक है, तो उसको सेपरेट होने में टाइम लगता है, ठीक है, और प्रॉपर ब्लड फ्लो होने में टाइम लगता है, ठीक है, और स्वेलिंग जो स्ट्रेट साइडों के जैसे बादल बनाते हैं ना कंप्यूटर में या वैसे ही ड्राइंग में, तो वो चीज़ जिगजैग टाइप होता है, वो चीज़ जाने में टाइम लगती है। अब इतना प्रेशर उन पर शुरू से पड़ रहा है, ठीक है, गलत एक्टिविटी का, तो वो चीज़ टाइम लेती है जाने में, ठीक है। स्वेलिंग सिर्फ वॉक से जाती है जिससे वो सीधी होती है, ठीक है, और ब्लड फ्लो होता है, जितना अच्छा ब्लड फ्लो होगा उतना जल्दी रिकवर हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने की चीज़ें मत सर्च करना, ठीक है, वैसे आपको पता ही होगा सबको, ठीक है, और जो बताया है वही फॉलो करो, ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा मत फॉलो करो। और जो स्वेलिंग है 100 की एक तो स्वेलिंग ही होती है, ठीक है, कि स्वेलिंग जाएगी तो बात बन जाएगी, ठीक है, अगर उसमें स्वेलिंग ही नहीं है तो वो वेन चाहिए, मतलब फिर वेरिकोसिल ही क्या है, स्वेलिंग है तो वेरिकोसिल है ना, तो वो चीज़ टाइम लेती है थोड़ी, ठीक है, इतने टाइम से अब वो वेन्स वहीं पर थी, ठीक है, मेरे जो थी कंडीशन मतलब रिजल्ट उतने अच्छे मिलते नहीं थे शुरू में, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होती थी यार मेरे को, बनाना और ओट्स में लेता था, पर यह है कि जहाँ मतलब ओट्स जो हम खाते हैं ना वो पानी सोखते हैं मतलब ना, तो पानी वो सारा चूस लेते हैं और जो बनाना होता है वो भी ज़्यादा ड्राई करता है अंदर, ठीक है, वैसे वो नहीं बता रहा मैं कि नुकसान क्या है, पर एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, तो पानी हम पीते ही हैं, ठीक है, हाइड्रेट हम रहते हैं, वो एक बहुत मस्त बात है, ठीक है, और बनाना तो ऐड करना ही करना है, मतलब एक बात बताई मैंने आपको उसकी स्पेशलिटी, ठीक है, तो मैंने वो चीज़ मैं उस टाइम पानी थोड़ा कम पी रहा था, ठीक है, तो अब होता है ना कईयों को कि ओट्स से कभी कभार हो जाता है कुछ, या मतलब एक आप हम चेक करते हैं कि वेन्स में स्वेलिंग क्यों बढ़ गई, तो हम देखते हैं कि हमने ये एक्टिविटी गलत करी या हमने ये खाने में गलत खाया, तो वो चीज़ नुकसान थी, ठीक है, वो चीज़ नुकसान होएगी कि आप ये कर रहे हो, ठीक है। तो वेंस की स्वेलिंग पे बात आती है, ठीक है, वेंस की स्वेलिंग वॉक से जाएगी ये आपको पता ही है, ठीक है, पहले से ही, और रेस्ट से जाएगी, ठीक है, तो जो होता है मतलब रेस्ट करो, लेग्स ऊपर करो जहाँ तक हो सके, ठीक है, मतलब जहाँ तक आसमान में नहीं, मतलब जितना हो सके उतना जब भी रेस्ट लो तो लेग्स ऊपर करके ही लो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लेटे हो और सामने मतलब कुछ पड़ा भी है, आप कंबल उम्बल होते हैं ना रजाई, ठंड चल रही है तो उसके ऊपर, मतलब मैं तो ऐसे ही करता था कि ऊपर मतलब लेग्स रखने का ना बना लेता था, तो वहीं पे लेग्स मतलब रहती थी और मैं नीचे लेटता था, और दोपहर को मैं ऐसे ही सो जाता था कि मतलब तकिया लगाई हिप्स के वहाँ और लेग्स ऊपर हैं, और वैसे ही मैं सो गया था सीधा ही बिल्कुल ना, तो वो चीज़ ट्राई करी। और नेक्स्ट ये है कि मतलब वॉक तो आपको करनी है, ठीक है, पर वॉक बॉडी की सुननी है हमेशा, ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती का सौदा, ठीक है, और दूसरा ये मैंने चकुंदर का आपको बोला था, ठीक है, तो वो आपने ट्राई करा है तो कमेंट मारना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि चकुंदर का आज ट्राई करा और कल आपको मतलब वेंस की स्वेलिंग खत्म या कुछ भी बहुत तगड़ी इंप्रूवमेंट, मतलब उसको ट्राई करते रहना, ठीक है, और मेरे को बताना, रोज़ नहीं पीना, मतलब मेरे हिसाब से रोज़ मत पीना, ठीक है, क्योंकि नुकसान कुछ तो ऐसे नुकसान तो नहीं होगा, पर यार रोज़ का मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैंने रोज़ तो नहीं पिया, ठीक है, हफ्ते में 2-3 दिन पियो, और स्वेलिंग यार उससे मेरे हिसाब से उससे जाती है, ठीक है, स्वेलिंग
जितना बीट रूट का, जितना नहीं कह रहा हूँ मैं, जितना पे फोकस मत मारना, मतलब उससे पियोगे तो आप देखना कि क्या मतलब इम्प्रूवमेंट मिली है, ठीक है, जल्दी वाला हिसाब थोड़ा। और जितना हो सके लेग्स ऊपर करके रहो, ठीक है, ब्लड फ्लो ताकि ईजिली हो सके, नीचे को आ सके, ठीक है। और ज़्यादा टाइम खड़े मत रहो, ठीक है, ज़्यादा टाइम बैठे हो मत, ठीक है। तो बाइक चला रहे हो तो सामने वो होता है ना, उसके लोहे के बने होते हैं यार, उसको मेरे को पता नहीं क्या कहते हैं, तो उस पर लेग्स रख के फिर जाना, ठीक है, गड्ढों में धीरे चलाना, ठीक है। लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो मतलब बीच में रोक के वॉक करना इधर से उधर 10 कदम, फिर बैठ जाना, फिर चला के ले जाना, तो ये सब करना, ठीक है। और स्वेलिंग ऐसी जाती है यार, जब मेरे स्वेलिंग थी तो रिज़ल्ट उतने अच्छे मिलते नहीं थे, मैं कहता था यार ये मतलब उतनी अच्छी बात हो नहीं पा रही, तो वो चीज़ मतलब नेगेटिविटी डालती है बॉडी में ना, बंदे के माइंड में। तो माइंड जो है वो सबसे बड़ा हथियार है पॉजिटिव को देने में भी और नेगेटिव को देने में भी, ठीक है। तो माइंड हमेशा पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव आप रखोगे तो हर चीज़ पॉजिटिव, हर ऑर्गन्स आपको पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है, खुशहाल रहती है ना जैसे बॉडी, तो वो मतलब बंदा लंबा जीता है, ठीक है, लगता नहीं वो बूढ़ा हो चुका है, ठीक है। तो खुशी बहुत ज़रूरी है, और ये है कि आपको माइंड को खुश रखना है, माइंड से सबको खुश रखना है, मतलब पॉजिटिविटी कहने का अर्थ है, ठीक है। और वॉक करो जितनी हो सके, जितना बॉडी मानती है, ठीक है, और रेस्ट करो, ठीक है, ये दो चीज़ें मस्ट है, ठीक है। इतना जितनी जितना ये करोगे उतनी जल्दी रिकवर होगे, ठीक है। शायद मुझे उस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन ही होती थी, तभी मैं ना मतलब इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते थे। वॉक करके मैं आता था, पूरी टी शर्ट में मतलब टप में पानी भरा होता था, उसमें डुबोता था, और वही मैं गीली पहन लेता था, और कैप में आर्मी वाली मतलब पूरी गीली करके वही डालता था सर पे, और बस मैं वॉक करने निकल लेता था। पर यह है कि खाना खाने के तुरंत बाद जाता था, उससे शायद वो जो स्वेलिंग थी ना वो बढ़ती थी, तो मैं छू के देखता था, जिसको कहते हैं ना आर्मी की रस्सी, कभी देखी हो आपने तो, मतलब छोटी वाली जो होती है ना, थोड़ी मतलब नॉर्मल वाली, एक वेंस का साइज़ बता रहा हूँ, ठीक है, लास्ट साइज़ होता है, जो मेरे ख्याल से वहाँ तक पहुँच गई थी। अब स्वेलिंग पे भी बात है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी का कम गुच्छा है, किसी का ज़्यादा है, किसी की वेंस ज़्यादा डैमेज है, किसी की कम डैमेज है, ठीक है, किसी के 4 साल पुरानी, किसी की अभी 10 महीने पहले हुए हैं, ठीक है, किसी के 2 वेंस सूजी है, किसी की 4 सूजी, तो ये हर चीज़ मैटर करती है, ठीक है, कितना अच्छा आप लाइफस्टाइल और डाइट चल रहा है तो उसके ऊपर बात ज़्यादा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप डाइट और लाइफस्टाइल लोगे और वहीं 5 दिन में ठीक हो जाओगे। अब जिन बंदे को जल्दी है, अब मैं बोल दूं कि ओहो आपको 4 महीने लगेंगे, अरे 4 महीने कैसे लग जाएंगे भाई, 4 महीने तो सोचते सोचते ही मतलब बंदा सदमे में ऐसे पहुँचेगा कि 4 महीने मेरे को ऐसा सन्यासी बनना पड़ेगा, तो वो उसकी मर्ज़ी होती है कि सर्जरी की तरफ जा रहा है या नेचुरल मतलब आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट ले रहा है, ठीक है। और पता ही आपको कितने विद्वान हैं हमारे डॉक्टर्स, जो दूसरे यूट्यूबर हैं, जिनके कितने सब्सक्राइबर हैं, तो सारे धोखे में ही जा रहे हैं, ठीक है, तो अब किसी को कह नहीं सकते, हमने अपना 100% दिया, ठीक है। बाकी रेस्ट करो और वॉक करो, ठीक है, और साइडों से वेंस की स्वेलिंग पहले जाती है, जैसे 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब एक एग्जांपल, और फिर वो 3 पे आएगी साइडों से, फिर वो 2 पे आएगी, फिर वो 1 पे आएगी, फिर वो गेम ख़त्म है। और स्टार्टिंग कहाँ से होगी, बिल्कुल नीचे, जहाँ टेस्टिस से मतलब नसें कनेक्ट हो रखी होती है ना, वहाँ से होगी, और वो जो राइट वाला टेस्टिस है जहाँ वेरिकोसिल नहीं है, उसकी तरह ही 3-3 के पेयर में आपको मतलब जब आप लेट के वो करोगे देखोगे कभी ना, तो वो 3-3 के पेयर में या खड़े होके भी, तो सबसे कम स्वेलिंग होती है जो रिकवरी में जैसे पता लगता है, तो वो नीचे से स्टार्ट होती है कि नीचे से हाँ सॉफ्ट हो तो गई है, और नीचे से स्वेलिंग भी उनकी कम है, ऊपर आते आते जहाँ से निकल रही होती है वहाँ से आपने कभी नोटिस करा हो तो, बिल्कुल मेरे तो ऐसे आते हैं जैसे समुंदर की सुनामी आती है ना लहर सी, वो ऊपर उठ रखी होती थी और बस छूने में ही उसको डर लगता था, तो वो धीरे धीरे स्वेलिंग जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ सबसे लास्ट में जाती है ऊपर की ना, वैसे जाएगी तो मतलब स्वेलिंग सबसे पहले नीचे की, ऐसा नहीं है कि पहले नीचे की फिर एक चौथाई जा रही है, पर यह है कि नीचे की सबसे पहले जाती है, फिर धीरे धीरे मतलब कम होती है, सबसे पहले ऐसा नहीं कि नीचे की पूरी 0 हो गई और ऊपर की 5 बची है, तो नॉर्मल नॉर्मल जाती है, धीरे धीरे जाती है, धीरे धीरे स्टेप बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जल्दी से मतलब स्वेलिंग हाथों हाथ हो जाएगी आपकी ख़त्म, और टेंशन नहीं लेनी है आपने जब वॉक करते हो, ठीक है। तो स्वेलिंग मेरे क्या सीन था, मतलब जब मैं वॉक करता था स्टार्टिंग के टाइम से, मतलब स्टार्टिंग है नहीं मतलब जब 40% में मैं कर चुका था, ठीक है, पार, तो स्वेलिंग काफ़ी बढ़ जाती थी, मैं मतलब जिसको छूते हैं ना, मैंने आपको क्योर स्टेप में बताया कैसे मैं छूता था, और वो पूरी आर्मी की रस्सी की तरह लगती थी, और डर लगता था कि भाई ये मतलब माइंड यही कहता था कि ये ठीक नहीं होने की, सब कुछ हो जाएगा, ये नहीं ठीक होने की, तो मैं उसको हटाता था किनारे लात मार के, और मैं बस पॉजिटिविटी की तरफ जाता था, मैं कहा कोई बात नहीं अभी देखते हैं क्या होता है। और वॉक से यार बढ़ती है स्वेलिंग, ठीक है, फिर वो रेस्ट करने से कम हो जाती है, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। अब हम रस्सी को खोलेंगे आर्मी वाली, तो वो ज़्यादा उसका डायमीटर लगेगा, और अगर उसको एक साथ रखेंगे तो उसका काम मतलब ऐसे चिपका के रखेंगे, तो मैंने जैसे आपको बताया था वैसे ही, ठीक है, शोर आ रहा है यार उसके लिए सॉरी, ठीक है, क्योंकि मैं बाहर था, और तो यही हिसाब है, मेरे को ऐसा लगता था कि ये बस ठीक नहीं होने की भाई, तो फिर वो मैं उसको इग्नोर करता था, ठीक है। पर ऐसा था ना जैसे 100 में से अचानक से ही मतलब ना डाइट फॉलो करते करते एकदम वो 70 पे आ जाती थी, मैं कहता था अरे ये इंप्रूवमेंट आ गई है, तो वो 70 पे अटक जाती थी,
70 से वो वॉक करने के बाद 80 पे पहुंचती थी, फिर वो वापस 70 पे आती थी, फिर कुछ टाइम बाद वो मतलब 50 पे आती थी, फिर 50 से वो 70 पे पहुंच जाती थी, फिर वो 50 पे आती थी, मतलब 50 पे रुक जाती थी और मतलब आगे बढ़ती थी पर वो कुछ टाइम के लिए, पर फिर धीरे धीरे 40, 30 ऐसे 20, 10 देन फिर एंड ना। तो ये चीज़ होती है ठीक है, इस चीज़ का टेंशन नहीं लेनी आपकी कि स्वेलिंग बढ़ रही है या ये हो रहा है ठीक है। वो एक जगह प्रॉपर जब फिक्स होती है वेंस तो वो देखो कितनी पतली होती है ठीक है। और हमारे को जब वेरिकोसिल होती है तब उसकी स्वेलिंग देखो, आप एक राइट साइड को देखो और एक जिसमें वेरिकोसिल है उसको देखो क्या हालत हो जाती है। तो टाइम मांगती है ठीक है, पूरा अपना केयर मांगती है वो ठीक है, तभी वो ठीक होती है। ऐसे नहीं होती कि यहाँ पे जंप भी कर रहे हैं और हाथों हाथ हम रिजल्ट भी मांग रहे हैं कि अच्छे होंगे ठीक होंगे, तो वो चीज़ नहीं है। तो एक तो यार दो तीन चीज़ों के लिए माफ़ी, एक तो बाहर शोर आ रहा है ठीक है, दूसरा मैं चलते चलते रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ठीक है। मेरा इतना एडवांस भी घर भी नहीं है ना, मेरा मतलब ऐसी है, मैं किराए के घर पे रहता हूँ, मेरा उतना हिसाब अच्छा नहीं है, तो ऐसी वीडियो बनती है यार। और दूसरा ये है कि इसमें मैंने कुछ खास ज़्यादा बताया नहीं मेरे को लगता है वीडियो में ठीक है, पर मेरी जो हालत थी मतलब स्वेलिंग वॉक के बाद बढ़ती थी ठीक है काफ़ी, उस चीज़ से डरना नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो में, यही पर्पस है इसका ठीक है, कि आप डर के मतलब छोड़ दो ऐसा है ना, डरना नहीं उससे, वो चीज़ अच्छे के लिए, ये अच्छे मतलब है रियलिटी तो यही है कि वो अच्छे के लिए आ रही है ठीक है, क्योंकि इतने टाइम से वो ऐसी रह रही है तो वो टाइम मांगती है ठीक है, बिल्कुल ठीक होती है वो, और वैसे सेपरेट होती है तो वो सूजन बढ़ती है और वॉक से प्रेशर बढ़ता है उस पर थोड़ा थोड़ा, तो वो बढ़ती है ठीक है, पर वो नॉर्मल हो जाता है ठीक है। और मैंने हमेशा मतलब जो पानी गर्म करा है ना, स्टार्टिंग में मैं गैस पे खड़ा होता था तो उसके लिए भी घर में तो कोई हेल्प नहीं करता था तो खड़ा होना पड़ता था और उससे भी नुकसान था, तो मैं लेट जाता था और बस फिर मैं मतलब ना आलस भी आता था कुछ कुछ, और मतलब कंबल में सीधा लेटे और वो गैस पे चढ़ा रखा है, फिर वो पानी गर्म होता था और वही पीता था मैं। फिर मैंने फ़िलिप्स का जो जग होता है इलेक्ट्रिक वो ऑर्डर करा, तो उससे बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना इजी हो जाना, बस मैं उसको ऑन करके बैठ जाता था और फिर वो गर्म हो जाता था, उसी से मैंने मतलब पूरा गर्म पानी पिया है ठीक है, पूरे जितना भी वेरिकोसिल का पीरियड था उससे मतलब बहुत हेल्प हुई है। तो उसको अगर किसी को लेना है ठीक है, वैसे तो सारे के पास होगा या कुछ भी समाधान है, पर ईजी वे मेरे को वही लगा, तो वो लेना होगा अगर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ठीक है, उससे आप ले सकते हो ठीक है। और अगली बात ये है कि टेंशन नहीं लेनी किसी ने ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा फालतू बाहर का वैसे तो खाना तो है ही नहीं, पर ज़बरदस्ती कोई दे रहा है या कुछ कर रहा है तो उससे भी कटो ठीक है, जितना हो सके पागल बनाओ ठीक है उसका। तो और पिक्चर उच्चर देखो, मस्त रहो ठीक है, स्पाइडरमैन आई है नहीं जो अभी आई है आज देखी मैंने, मस्त लगी, तो आप लोग भी देखो मज़े करो ठीक है, जिसमें मन करता है वही, हमेशा अपने मन की सुनो ठीक है, कि हर चीज़ में वेरिकोसिल के उससे नहीं कह रहा मतलब उसमें कह रहा हूँ जहाँ आपको जाना होता है ठीक है, जहाँ आपको मतलब चाहती है आपकी बॉडी की ये चीज़ करनी है उसको करो ठीक है, ये नहीं है कि माइंड और दिल ये कह रहा है कि पैराशूट करना है मेरे को, पैराग्लाइडिंग ना और वेरिकोसिल और की हिल क्लाइंब करना है मेरे को, तो ये चीज़ बेकार है, जितना अच्छा चलोगे उतना बेस्ट रहेगा ठीक है, जल्दी ठीक होगे फिर आपको तो मर्जी के मालिक हो गए आप ठीक है, फिर अलविदा कहने का आपको टाइम आ जाएगा मुझे और हमारी वीडियोज़ को। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में, थैंक यू।